स्टार्ट करो। हरियाणा के फरीदाबाद में हाल ही में आयोजित एक चुनावी रैली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि एक मुस्लिम मौलवी ने उन्हें राम राम कहकर अभिवादन किया, जो कि ना केवल उनके लिए बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए एक अप्रत्याशित और प्रेरणादायक क्षण था। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह घटना कश्मीर में हुई थी, जहां उन्होंने एक मौलवी से मुलाकात की। जब मौलवी ने उन्हें राम राम कहा तो वो चौंक गए। यह अभिवादन न केवल सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक था, बल्कि यह भी दर्शाता है कि धार्मिक सीमाएं कभी कभी धुंधली हो जाती हैं। मौलवी का अभिवादन इस बात का संकेत था कि भगवान राम का नाम सभी धर्मों में सम्मानित है और इसे एक सामान्य अभिवादन के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। राम राम जैसे अभिवादन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये ना केवल हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी सम्मानित है। ऐतिहासिक रूप से राम का नाम सभी समुदायों द्वारा लिया जाता रहा है। 12वीं शताब्दी के बाद से जब मुस्लिम आक्रमण हुए तब भी राम की पूजा में वृद्धि हुई थी। ये दर्शाता है कि राम का नाम केवल एक धार्मिक प्रतीक नहीं है, बल्कि ये भारतीय संस्कृति की नींव है। आइए आपको सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अभी मैं कल और परसों जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए गया था और प्रचार के दौरान जब मैं जम्मू पहुंचा तो जम्मू एयरपोर्ट पर जहां मुझे कार्यक्रम में जाना था वहां बारिश हो रही थी। जम्मू एयरपोर्ट के अंदर में गया, मैं अंदर जा रहा था तब तक एक आवाज आई थी, उसने वहां से एक आवाज आ रही थी साफ राम राम। तो क्योंकि मेरा कोई परिचित नहीं था वहां पे तो मैंने समझा एक सामान्य किसी और से कह रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज कही योगी जी राम राम। तो मैंने अगर देखा तो मैं देख के भौचक था, ये राम राम शब्द एक मौलवी के मुंह से निकलना था। मैं समझ गया कश्मीर में धारा 370 हटने का इंपैक्ट है ये। और याद रखना, डबल इंजन की सरकार जब कार्य करेगी डबल स्पीड के साथ कार्य करती है। तो जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो लोग मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विरोध करते हैं, जो लोग आपकी आस्था का अपमान करते हैं, यही लोग सड़कों पर हरे रामा हरे कृष्णा का भजन गाते हुए दिखाई देंगे। और एक ताकत आपके पास है, याद करना, राम मंदिर विदेशी आक्रांताओं ने भगवान राम के मंदिर को इसलिए तोड़ा था क्योंकि हम बटे थे। हम बटे थे इसलिए कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होकर के देश के बारे में फैसला लेना है। इस घटना को राजनीतिक रूप से भी देखा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने इस घटना को अपने भाषण में शामिल करके संदेश दिया कि सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत की विविधता ही उसकी ताकत है और इस तरह की घटनाएं हमें एकजुट होने की प्रेरणा देती है। इस घटना ने समाज में एक सकारात्मक संदेश फैलाया। जब एक मुस्लिम मौलवी जैसे व्यक्ति ने राम राम कहा तो ये दर्शाता है कि धार्मिक भिन्नताओं के बावजूद हम सब भारतीय हैं। ये ना केवल हिंदू मुस्लिम संबंधों को मजबूत करने का प्रयास है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे सांस्कृतिक संवाद से हम सभी को लाभ हो सकता है। योगी आदित्यनाथ द्वारा साझा की गई यह घटना न केवल व्यक्तिगत स्तर पर महत्वपूर्ण थी, बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई थी। राम राम जैसे विवादन का उपयोग विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार की घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि हम सभी एक ही धरती पर रहते हैं और हमें आपस में प्रेम और भाईचारे से रहना चाहिए। इसी प्रकार फरीदाबाद की चुनावी रैली में इस घटना ने न केवल योगी आदित्यनाथ को बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को एक नई सोच का कारण दिया।